मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि उस 35 साल में मैं कुछ 2.5 साल तक मैं भी था जी। जो भी कुछ एक्टिंग के बारे में मैं जानता हूँ वो बाजी से सीखा है, नादिरा जी से, और बड़े सारे प्लेस के यहाँ पे भी किए बहुत सारे प्लेस। और जूही दी ने शायद एक प्ले डायरेक्ट किया था जिसका नाम था पुकार, जो जिसमें मैं मेरा मोनोलॉग था, तो वहाँ से मुझे पहली बार टीवी में मौका मिला था वहाँ के लोग। तो जो भी है आज इनकी वजह से ही है जी। कभी भूला ही नहीं था तो वो याद कैसे आएंगी, मतलब मेरे अंदर है वो जी। जो भी डिसिप्लिन सीखा, जो भी एक्टिंग के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ, जितना प्यार है काम से, वो सब यहीं पे सीखा। कहाँ से कहाँ तक का सफर हो गया आपने? मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, जब भी कोई अच्छा प्ले लगता है तो मैं आता हूँ। आप नहीं रहते इसलिए पता नहीं चलता लेकिन मैं आता रहता हूँ। मुझे लगता है पॉलिटिक्स, आर्ट्स, कल्चर, ये सब को एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और कुछ जी, हमें पता है हमने बहुत अच्छी कहानी। हाँ, हमें पता है कहानी बहुत अच्छी है, बहुत एंगेजिंग है और बहुत इंस्पायरिंग है। तो बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे 2 साल तक जब तक मैं इस प्रोजेक्ट में था, और मैं वो एक्सपीरियंस सबसे शेयर करना चाहूँगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। बड़ी मुझे पता नहीं था इस बारे में, थैंक्स बताने के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। डिसेबल्ड यही है कि डिसेबल्ड ना हमें सोचना चाहिए कि वो डिसेबल्ड है ना उन्हें, ठीक है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक अगर आपको कन्विक्शन है, आप सपने देख सकते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बिल्कुल। अभी मुझे कहीं और जाना था लेकिन इस दिन के लिए मुझे यहाँ रहना बहुत ज़रूरी था। 30 के बाद मैं जो जब भी प्ले के लिए बाजी बुलाएंगी मैं आऊँगा।
काफ़ी इस वक्त शायद ज़रूरत तो नहीं बताने की, लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा शायद जज्बाती हो गई, पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब 68 साल की हो गई, 68 तो खैर इसलिए मेरे लिए अब ये 35वां साल ऐसा लगता है कि 35वां ठीक से कर लें, बाकी 40वां इंशाल्लाह वो ही करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसके हिसाब से तो खैर बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, हमारे आप सब मेहमान, हमने जब ग्रुप शुरू किया उस वक्त जो थे हमारे सतीश कौशिक साहब जो हमारे साथ हमेशा से, उन्होंने मोहब्बत का और एक हमदर्दी का, एक मदद का, एक दोस्ती का रिश्ता हमेशा हमेशा, और हमारे यंगेस्ट जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं साल में दो बार करते हैं, जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट फीचर बन गया है हमारे कंपनी का, हमारे संस्था का, उसके प्रोडक्ट सुशांत सिंह जी यहाँ बैठे हुए, जहाँ से मैंने पढ़ा, तालीम ली, सीखा, जो कुछ भी मैं आज हूँ, रक्त की बराबरी भी अगर मेरी कहीं जगह बनी है तो वहाँ के निर्देशक हमारे वामन जी बैठे हुए, नादरा के अपने एक कहना चाहिए कि उनकी अपनी एक मेहनत है, उनकी लगन है, जो उन्होंने इस 35 साल के अंदर अपना इस लगन को बरकरार रखा, और ये कोई मामूली बात नहीं है कि हर साल दो प्ले करना, वो भी दो नए प्ले करना, और इस दौर में जबकि हर आदमी सिनेमा की तरफ भागता है, टेलीविज़न की तरफ भागता है, कई दौर आए कई दौर चले गए, कई एक्टर आए कई एक्टर चले गए, लेकिन वो अपने इस मकसद में, अपने एक मिशन में हमेशा लगी रहीं, और ये आज नतीजा है कि आज 35 बरस लगातार उन्होंने इसको चलाए रखा है। एकजुट एक, मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट की, एक थिएटर ग्रुप की जगह तरह इसके
कम कहूँगा, एक जुनून कहूँगा मैं, और ये जुनून नादरा को बिल्कुल सवार है। और ये मुझे लगता है कि जब तक उसके अंदर आखिरी सांस है, वो इस जुनून को हमेशा इसी तरीके से बरकरार रखेंगी। और ऐसा लगता है जैसे कि जब नादरा के साथ में एकजुट में खड़े होते हैं तो लगता है कि 35 साल नहीं गुजरे, जैसे ये कल की बात है। तो मुझे तो ये आज भी ये कल की बात लगती है। कल यहीं इसी पृथ्वी में एकजुट शुरू हुआ था, चेहरे बदल गए हैं, लोग नए आ गए हैं, लेकिन नादरा और एकजुट का जुनून वही है। उनको सबको चाहिए कि बेहतर थिएटर करें, उसमें मोहब्बत है, उसमें प्यार है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत आई फील वेरी लकी कि मुझे 35 साल यहाँ पर, मैं कहूँगा कि मैं तो बड़ा हुआ हूँ एकजुट में, और मैं बड़ा हुआ हूँ पृथ्वी थिएटर पे। मेरे लिए पृथ्वी थिएटर वो प्लेग्राउंड था जहाँ पर मैं खेलते खेलते बड़ा हुआ था, एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आज एकजुट के 35 साल ख़त्म हुए हैं तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, और हम लोग सब जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेस में, हम साथ में हैं। एकजुट सिर्फ एक्टर्स को मौका नहीं देता, हर तरीके से डायरेक्टर्स को मौका देता है, राइटर्स को मौका देता है, एंड दैट्स व्हाट एकजुट इज। थैंक यू। आई थिंक 35 ईयर्स अपने आप में एक लंबा सफ़र है किसी भी थिएटर ग्रुप के लिए। और जिस तरह का एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, टेलीविज़न हो, यू नो डिजिटल मीडियम हो, सिनेमा हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, बहुत कुछ अवेलेबल है, और उस सब के बीच में 35 ईयर्स तक एक थिएटर ग्रुप का सर्वाइव करना और बेहतरीन तरीके से सर्वाइव करना, आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड द क्रेडिट गोज़ टू नादरा जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ग्रुप को चलाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, थिएटर उतना पेड मीडियम नहीं है, लोग आते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं, चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी चाहिए होता है जो उस पूरे ग्रुप को, जो उन लोगों को होल्ड करके रख सके। चाहे लोग आते जाते रहेंगे, पुराने जाते हैं, नए आते हैं, जैसे आज यहाँ सतीश जी हैं, सतीश कौशिक जी जो हैं वो इस ग्रुप से 1981 में जब ये ग्रुप शुरू हुआ था तब जुड़े थे, वो अपने काम में चले गए, डायरेक्टर बन गए, फिल्मों में काम किया, लेकिन आज यहाँ मौजूद हैं। सुशांत सिंह इतने साल पहले इस ग्रुप में था लेकिन फिल्मों में बिजी हो गया, लेकिन फिर वापस आज यहाँ 35 के सेलिब्रेशन पर है। तो लेकिन क्रेडिट जाता है नादरा जी को कि एक ग्रुप को होल्ड करके रखना, एक ग्रुप को चलाना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये सारा मैं कहता हूँ उन्हीं को श्रेय जाएगा ये। हाँ, वो भी 1000 एपिसोड से ऊपर का एसोसिएशन हो गया है जी। हाँ, सी देखिए क्या होता है कि बहुत सारे शोज ऐसे हैं जब वो 1000 एपिसोड पूरे करते हैं तो लोग पार्टीज देते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे क्राइम हक के 1000 एपिसोड कर लिया, आप खुश हो रहे हैं, देश में क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन मतलब सिर्फ ये है कि हमारी कोशिश है कि ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। कहते हैं ना कि जो बुरी बात होती है ना, उस बात को ठीक करने के लिए, अच्छी बात को सिखाने के लिए ना, बार बार उसको अंडरलाइन करना पड़ता है, हर चीज़ को अंडरलाइन करना पड़ता है। तो शायद ये एक निरंतर प्रोसेस है क्राइम पेट्रोल का, कि हम केस करते रहेंगे, 10 में से एक आदमी भी अगर ये समझे कि भैया क्राइम नेवर पेस, तो हमारा पर्पस सॉल्व होता है। तो आई थिंक ये चलता रहेगा लंबा ऐसे ही सिलसिला। These 35 years are so important because 35 साल की जो जर्नी होती है वो बहुत ही कमाल होती है, बड़ी मुश्किल होती है, और बड़े प्रॉब्लम से गुजरते हुए बड़ी खुशियों के साथ, बड़े जोश के साथ एकजुट ने हमेशा अपना नाम कायम रखा है। मैं एकजुट से शुरू से जुड़ा रहा हूँ, जब 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि 35 साल में आप समझो कि नियरली 75 प्रोडक्शंस करना, ये कोई मजाक काम नहीं है, मतलब
मतलब कितनी डेडिकेशन चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, कितना पैशन चाहिए, कितना जज्बा चाहिए, आप समझिए। नादरा ज़ाहिर बब्बर, जूही बब्बर, गोरकी बब्बर, मतलब और उनके इतने तमाम लोग जितने काम करते हैं, कितना मतलब उनके अंदर जज्बा है, मतलब 75 प्रोडक्शंस करना 35 साल के अंदर, मतलब साल में समझो आप 2 प्रोडक्शंस करना, यहाँ 3 साल में किसी से एक प्रोडक्शन मुश्किल से हो पाती है, 5 साल में हो पाती है, लेकिन हर साल 2 प्रोडक्शन करना, ये कितनी मतलब कामयाबी की बात है और कितने बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसका सारा श्रेय मैं देता हूँ नादरा ज़ाहिर बब्बर, हमारी बाजी, जिन्होंने मतलब एकजुट होकर के, वो एकजुट नाम ही इसलिए रखा है कि उन्होंने हमेशा सबको इकट्ठा रखा, सबको अपने साथ रखा और एकजुट नाम ही इसीलिए दिया। आज कितने लोगों को, कितने एक्टर्स को, कितने डायरेक्टर्स को, कितने लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो हैं आज हम एकजुट की पैदाइश हैं, नादरा ज़ाहिर बब्बर के आशीर्वाद से ही हम आए हैं। तो आप समझो कि ये बहुत बड़ा दिन है और इस महोत्सव पे मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा और नादरा ज़ाहिर बब्बर को स्पेशली। और अब तो और काम कर रहे हैं कि जहाँ पे एकजुट ने इतने इतने मतलब कंट्रीज़ में परफॉर्म किया है और उनकी चिल्ड्रन वर्कशॉप जो हो रही हैं, मींस एकाग्र होके मन को एक जगह लगा करके काम करना बड़ा मुश्किल होता है और वो नादरा ज़ाहिर बब्बर ने प्रूव किया है कि 35 साल बम्बई में इस थिएटर ग्रुप को ज़िंदा रखा और आज भी शान और शौकत के साथ एकजुट जो है चलता है अपने प्रोडक्शन के साथ। आज भी नादरा ज़ाहिर बब्बर में वो जज्बा है और वो पैशन है जैसे जो कि एक 24 साल के थिएटर रंगकर्मी में होता है, आज भी वो नई चीज़ करना चाहती है, आज भी वो नए प्लेस करना चाहती है, नए आइडियाज़ हैं उनके पास। आई थिंक सल्यूट टू हर फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू थिएटर। और मेरे को ऐसा लगता है कि भारत सरकार को उनको बहुत बड़ी मान्यता देनी चाहिए अब तो, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो थिएटर के अंदर लगा दिया। मेरी और हिंदुस्तान सरकार का बड़े से बड़ा जो जो अवार्ड हो वो नादरा ज़ाहिर बब्बर को देना चाहिए, बिकॉज उनकी जो एकाग्रता है, उनकी जो मन का एक जो पूरी तरह एकजुट को इतना चलाना, वो बहुत बड़ा काम किया और हिंदुस्तान भर में क्या पूरे संसार में आज एकजुट का नाम है। और उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, एकजुट को मुबारकबाद देता हूँ, एकजुट के सारे लोगों को जो काम करते हैं, एक्टर्स हैं, बैक स्टेज पीपल हैं, सबको मुबारकबाद और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आज के महोत्सव के लिए।